नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ एक बहुत ही खतरनाक ट्रैक्टर, जो आप सामने से देख पा रहे हैं मैसी का लेटेस्ट मॉडल ट्रैक्टर है और हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। ये जब से टर्म 4 आया है तब से ये लॉन्च हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मॉडल का नाम है मैसी फर्ग्यूसन 9563 स्मार्ट सीरीज का ट्रैक्टर है। पूरा का पूरा केविन जो कैनोपी है वो भाई ने भी लगवाया है, तो हम इनसे बात करेंगे। ये ओनर आपके सामने खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत हमारे चैनल पर। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। जी, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं जिला बरेली तहसील नवागुन ग्राम डंडिया बीरम नंगला का रहने वाला हूँ। अच्छा, स्वागत है राकेश जी आपका हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो में। और आपके लिए बहुत बधाई इस ट्रैक्टर के लिए जो आपने नया ट्रैक्टर लिया है। ट्रैक्टर आपने बहुत बड़ा लिया है, 63 HP का ट्रैक्टर है, 4x4। तो आप ये बताएं कि थोड़ा सा अगर बात करें ट्रैक्टर लाइन में कितने समय से है आपका और आपका परिवार, कितने समय से ट्रैक्टर चल रहे हैं? हमारे पास 1998 से ट्रैक्टर है सर। 1998 से ट्रैक्टर आपके घर में है, खेती ट्रैक्टर से हो रही है जी। उससे पहले बैल वगैरह होते थे या और भी चीज़ें होती थी? तो बैल वगैरह होते थे। अच्छा, अब बात करें तो उस सबसे पहले आपकी ट्रैक्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से ट्रैक्टर से स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमारे पास था आयसर। आयसर का जी, उसे चलाया था हमने एक साल। फिर 2001 में हमने लिया था मैसी 35। अच्छा जी। उसके बाद हमने 2018 में लिया है 7250 मैसी का। 7250, अब ये दीपावली को ये लिया है। अच्छा, तो वो 7250 आपने 2018 में लिया था जी, वो अभी भी आपके पास? वो इस समय है हाँ अपने पास। कैसे चल रहा है? बढ़िया है, एक नंबर ट्रैक्टर है मैसी का। अच्छा, तो ये जो ट्रैक्टर है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, आपने एकदम से इतना बड़ा ट्रैक्टर ले लिया 63 HP का। खेती कितना करते हैं आप? खेती है अपने पास 57 बीघे। खुद की खेती 57 बीघे है जी। 57 बीघे में से कौन कौन सी फसल आपने कर रखी है अभी? फसल इसमें गन्ना है और लाई काट दी है, मतलब लाई भई है, और गेहूं वगैरह के लिए खेत खाली पड़ा है, गेहूं करेंगे अभी। अच्छा, और यही फसलें हैं, धान गेहूं वगैरह गन्ना वगैरह यही करते हैं। अच्छा जी, तो ये वाला ट्रैक्टर की जो डिसीजन आपने लिया ये कैसे लिया, मतलब कि किसी वीडियो देखी थी आपने या कंपनी वालों ने या शोरूम वालों ने डीलर ने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे, अगर आपको आपने अपने हैंड से बोला कि भाई हमें ट्रैक्टर लेना है दूसरा? जी, इसमें ऐसा था, ये हमने वीडियो देखी थी, ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था फोन पे, तो हम गए थे अपने यहाँ के नवागुन तहसील में, डीलर हैं अच्छा मुकेश जी, तो हमने उनके मतलब इसकी खासियत जो फोन पे दिखा रहे थे काफी अच्छी लगी, हमने उनसे कांटेक्ट किया, कहा था कि भाई ये जो मैसी वो स्मार्ट सिटी 63 है जो 9500 CRD इंजन में आया है, उसके बारे में कुछ हमें बताइएगा। बोले आपको लेना है? हमने हाँ जी फोन में देखा था, उसमें फ्यूचर अच्छे खासे लग रहे हैं। तो उसके बाद में वो हमें ले गए थे बरेली, गए थे हम एजेंसी पर, ट्रैक्टर वगैरह देखा चला के, तो ट्रैक्टर हमें बहुत ही बढ़िया लगा, तो फिर हमने इसकी बुकिंग की थी। अच्छा, मतलब आपने मोबाइल पे वीडियोस देखे और आपको चला के भी देखा आपने जी बरेली? जी, तो बरेली शोरूम पे था? बरेली हाँ, सरदार जी का शोरूम है, वहीं था ये। अच्छा, वहाँ पे खड़ा हुआ था ये जी, उन्होंने मंगाया था 2 ही दिन पहले मंगाया था उन्होंने। अच्छा, हरियाणा से। हाँ हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने इस तरह से इसका डिसीजन लिया, तो जैसे आपके पास पहले एक ट्रैक्टर है तो ये दूसरे ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, उतना काम है आपके पास यहाँ पे? नहीं, काम तो बहुत रहा है, मतलब अपना काम जैसे है, अपना तो खैर एक ट्रैक्टर से पर्याप्त तो हो जाता है एक ही से। ये जो कुछ मतलब जुताई वगैरह है और अपना जमीन घिरी हुई है लोगों से, भाई जुताई वगैरह करते हैं, और ये कुछ शौक के लिए भी ले लिया था। अच्छा, मतलब एक था कि ट्रैक्टर दूसरा लेना है और एक बड़ा ही ले लेते हैं, फिर ले तो रहे ही हैं। हाँ, दूसरा छोटा लेने से क्या फायदा है, नहीं है? फीचर भी बहुत है इसमें, 4x4 भी हो जाएगा और एक मनपसंद चीज हो जाएगी, फिर आगे सोचना नहीं है, एक आखिरी दाव खेल लेते हैं जी। फिर आपने ये 63 HP का ट्रैक्टर ले डाला। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत किराए का काम भी कर लेते हैं आप? हाँ, कर लेते हैं। अच्छा, इधर जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब गन्ने का खेत है, ये तराई इलाका है, यहाँ पे बहुत ऊपर ही वाटर लेवल है, मतलब ऊपर छोटे से पाइप लगा के पंप सेट लगा के पानी निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो गन्ने के बाद ज़्यादातर लोग गेहूँ करते हैं। गेहूँ करते हैं लोग। हाँ, अब थोड़ा सा ये बताएं, इस ट्रैक्टर को आपने जितने भी मतलब चलाया है, जितने भी घंटे आपने चलाया या आपके भाई ने चलाया? हम दोनों लोगों ने चलाया। दोनों चलाया, तो कैसा लगा इसका सेटिंग या इसकी गियर शिफ्टिंग है, इंजन है, मतलब सब कुछ कैसा लगा ओवरऑल? ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा है इसमें, हमने इस पे 10 का रूटावेटर भी डाला था और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसने चलाया था, और उसके बाद 15 का कल्टीवेटर डाला था। अब ये बात करें, जैसे आपने ये कैनोपी वगैरह लगवाया है ये सब मैसी का, ये कंपनी जैसे आपने डीलर से जो डील किया यानी कि जो कीमत आपको बताया उसी में लगा हुआ है या अलग से पैसा देना पड़ा? उससे हटके है लगा हुआ। कितना पैसा देना पड़ा इसमें? 30,000 रुपये डालना पड़ा। 30,000 जी।
इसमें म्यूजिक सिस्टम क्यों लगवाया फिर? म्यूजिक सिस्टम अभी लगवा देंगे, मतलब अभी मतलब हाँ वो थोड़ा 10-15-20 हज़ार जितना मर्जी महंगा लगवा लो, महंगाई वाला लगवाना चाह रहे हैं इसीलिए अभी रोक दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है, कोई बात नहीं। सो अब अगर थोड़ा सा जैसे हमारे आपके जैसे कुछ नए किसान भाई हैं, ट्रैक्टर को परिवार में लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो डिसीजन है वो परिवार के बच्चे लोग ही ले रहे हैं, जैसे जो यंग जनरेशन के जो किसान है, युवा किसान जो हैं, वो ट्रैक्टर लेने का डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज़ लेने से पहले आदमी मोबाइल में पहले उसका रिसर्च कर लेता है पूरा, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, उसके बाद वो शोरूम वालों के पास जाता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ में हमारे जो युवा किसान हैं वो ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, घर वाले कहते हैं भाई तुम्हें देख लो तुम्हें जो देखना है, और फिर इस तरह से होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा पूछूं कि आपके जैसा कोई और किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है तो कौन सा ट्रैक्टर आप उसको बोलेंगे भी लेना चाहिए? देखो वैसे तो हमने तो मैसे ही चलाया है फिलहाल, हमारे तहरे भाई हैं उनके पास पहले वो था, क्या बोलते हैं उसको, फार्मेटिक था और सोनालिका भी था, इस समय ऐसा है 3 सिलेंडर, और हमसे संपर्क में ही रहते हैं, उन्होंने भी हमारा ट्रैक्टर चलाया था, वो भी कह रहे थे बोले जो मैसी में है वो किसी और ट्रैक्टर में नहीं मिला हमें। अच्छा 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 जी। अच्छा जैसे बात करें इस ट्रैक्टर के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये ट्रैक्टर आपको कितना कीमत पड़ा इसका ऑन रोड? ये ट्रैक्टर हमें ऑन रोड 13.5 लाख का पड़ा है। 13.5 लाख रुपये का? उसमें से आपने कुछ फाइनेंस करवाया, कुछ कैश दिया होगा ऐसे कुछ? जी हाँ, वो तो खैर होता ही अपना। सो दोस्तों मैं ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे के जो टायर्स हैं वो 9-5-24 के, और पीछे के जो टायर्स हैं वो 16-9-28 के ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। पूरा का पूरा जो है फ्लैट प्लेटफॉर्म है, एकदम खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, आराम से पैरों को, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइन बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है, और सिटिंग वगैरह सारा कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको। अब थोड़ा सा मैं ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के बारे में बताऊं, यहाँ पे देखो 4 व्हील की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है, ब्रांडिंग दे रखी है, और ये रेस का लीवर है वो अलग ही स्टाइल में इसको बनाया गया है, पूरा सिस्टम ऐसा है, और 95-63 की ब्रांडिंग, मैसी फर्ग्यूसन स्मार्ट सीरीज़ का ट्रैक्टर है। आगे से देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, मैसी का लोगो और डबल यूनिट का हैलोजन हेडलाइट्स का सेटअप आपको दे रखा है, बहुत ही खतरनाक लुक निकल करके आ रहा है यहाँ पे, ऐसे देख सकते हैं पूरा, और ये आगे जरीकन वेट की प्लेटें लगी हुई हैं पूरा देख सकते हैं। सो इधर से अगर देखोगे दोस्तों तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, और जो आगे का फ्रंट एक्सल है वो दोस्तों इस तरह से आपको बहुत ही हैवी ड्यूटी बहुत ही तगड़ा फ्रंट एक्सल आपको इसमें दे रखा है पूरा, आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इसका जो 4 व्हील का अटैचमेंट है वो अलग से दे रखा है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे बड़ा अजीब लगती है मैसी में कि भाई इसका जो 4 व्हील का है वो अंदर से अगर दिया जाए ट्रैक्टर के वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, इसको अलग से इसको बनाया गया है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं वो अलग है, ग्राउंड क्लियरेंस पर्याप्त मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा CRDI मॉडल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से, सिंगल फुटस्टेप दे रखा है आपके लिए। ड्राइवर सीट पर बैठ के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है, और इस तरह से दोस्तों ये गियरबॉक्स जो दे रखा है वो तीन स्पीड यहाँ पे रिवर्स का दे रखा है, साथ में लो हाई दे रखा है, और ये जो लीवर आपको दे रखा है इसमें आपको बीच में दोस्तों ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं खरगोश और कछुए का साइन बना हुआ है, तो अगर जैसे आप यहाँ पे पहले के लो में चला रहे हैं तो और लो करना है तो आप कछुए वाली साइड में इसको आगे करेंगे तो और लो हो जाएगा, और अगर इसको पहले के आप लो हाई में चला रहे हैं और हाई करना है तो पीछे करेंगे तो और ज़्यादा हाई स्पीड इसमें हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें सेटअप पूरा दे रखा है, हेडलाइट्स के कंट्रोल्स और सस्पेंडेड टाइप के ब्रेक और क्लच आपको दे रखा है यहाँ पे, और अलग से PTO के लिए इसमें क्लच नहीं दे रखा है, ये 4x4 का लीवर आपको यहाँ पे दे रखा है, और PTO का जो गियर है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। इधर साइड में पोजीशन ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर, ये ऑक्सिलरी लीवर आपको दे रखा है यहाँ पे। सो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो मैसी फर्ग्यूसन 95-63 स्मार्ट सीरीज़ का, आप भाई से मिले, भाई ने पूरी जानकारी आपको दी ट्रैक्टर के बारे में, और दोस्तों और कोई सवाल अगर ट्रैक्टर के बारे में आपका है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम इस ट्रैक्टर को चला के नहीं देख पाएंगे, इस बात का बड़ा अफसोस रहेगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर के लिए इनके पास पर्याप्त बड़े इम्प्लीमेंट नहीं है। अब नौका कल्टीवेटर है, अब क्या ही चलाओगे आप सोच के देखो दोस्तों, तो नौका कल्टीवेटर था इसलिए हमने इस पर नहीं जोड़ा, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, 63 HP और नौका कल्टीवेटर मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा, कोई सेटिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए अगली बार जब हम इसके ये बड़ा इंप्लीमेंट ले लेंगे तो अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।